नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम में अब 3-4 दिन का ही समय शेष है, जिसके लिए हम EBS यानी कि पर्यावरण की मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें सीटेट 2011 से 2023 तक पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल हैं। इसमें हमने 100 प्रश्न लिए हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर जिन लोगों की तैयारी पूरी है, उन लोगों के लिए ये एक तरीके से रिवीजन सीरीज है, और जिन लोगों की तैयारी कुछ कमजोर है, वो इस वीडियो से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से जनवरी 2024 के लिए संभावित प्रश्नों की सीरीज है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं, तो कम से कम 10 से 15 अंक आपको बिल्कुल इसी वीडियो से प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्नों की अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट अभ्यास का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि यहाँ पर पहले हमने 60-70 क्वेश्चन जो कंटेंट के आधारित हैं EBS में, वो लिए हैं, और उसके बाद हमने EBS पेडागोजी के प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। सही आंसर है इसका गोवा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। ठीक है, झारखंड, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिजोरम, जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है भारत का। ठीक है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जहां असम जैसे क्षेत्र आते हैं, असम, मिजोरम, नागालैंड और इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, मणिपुर, यहाँ झूम खेती होती है। तो ध्यान रखिए इन क्षेत्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मच्छरों द्वारा होने वाले या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए, यानी कि दोनों रोग जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सीटेट की दृष्टि से हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। हैजा और म्यादी बुखार, हैजा और मलेरिया, म्यादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो सही आंसर है इसका डेंगू और चिकनगुनिया, क्योंकि ये दोनों रोग मच्छरों द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ध्यान रखिए मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इनके जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनको एक बार आप जरूर देख लीजिए। साथ में अरब सागर के साथ लगने वाले राज्य, बंगाल खाड़ी से लगने वाले जो स्टेट्स हैं इनको देख लीजिए, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं मतलब संघ शासित प्रदेश हैं उनको भी एक बार देख लीजिए। इनसे 1-2 प्रश्न जरूर बनेगा 100%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से वह युगल, युगल युग्म, एक ही बात है, चुनिए जो हमारे देश के 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना, यानी 1 राज्य हो, 1 केंद्र शासित प्रदेश हो। तो ऑप्शन है मणिपुर, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर होगा मणिपुर और जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर 1 केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी किसी ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वह शहर जहां डल झील स्थित है, बहुत आसान है, आपको पता होगा, सही आंसर है श्रीनगर। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि समय कम होने के कारण, जिससे आप कम से कम समय में 100 प्रश्नों को आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। किस प्रकार ढूंढ सकते हैं? हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, गलत है ये, और सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, ये भी गलत है, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, ये भी गलत है, पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से उस शहर को, उसे नहीं, यहाँ पे उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। शिलांग, मैसूर, हैदराबाद, श्रीनगर। सही आंसर है ये श्रीनगर। ठीक है, तो ध्यान रखिए इलायची और बादाम पड़ा हुआ कहवा, ये जम्मू कश्मीर में बहुत चलता है, तो यहाँ पर श्रीनगर था, तो सही आंसर श्रीनगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को
उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान या ढूंढ लेता है। ऑप्शन है बाज, रेशम कीट, मच्छर, तितली। तो सही आंसर है इसका रेशम कीट। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य के लोग टैपियोका यानी कि कसाबा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इससे बने खाने को चाव से खाते हैं? केरल, असम, तेलंगाना, ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर है केरल। केरल में जो टैपियोका बहुत पाया जाता है और नारियल भी बहुत पाया जाता है, तो इसका सही आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? ऑप्शन मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सही आंसर है इसका झारखंड। झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट जो है अरब सागर पर स्थित है। ध्यान रखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ने वाले सभी राज्यों को एक दो बार जरूर देख लीजिए, जरूर प्रश्न आएगा इससे संबंधित। तो यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, केरल, तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिए, ये गुजरात के नीचे वाले जो स्टेट हैं वो यहाँ पर अरब सागर की तरफ लगते हैं। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल ओडिशा की तरफ स्टेट्स हैं वो किससे लगते हैं? बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? ऑप्शन है सूरजमुखी, ऑक या मदार, आम, जैंथियम। सही आंसर है ऑक या मदार। इससे भी बहुत प्रश्न आए हैं, ऑक या मदार। ठीक है, ये वायु द्वारा फैलने की जो है संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप या सर्प कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? मेंढक, छिपकली, चमगादड़, मछली। तो इसका जो सही आंसर है वो छिपकली, क्योंकि इसमें रेप्टाइल्स दिए हैं जो रेंगने वाले जीव हैं। तो रेंगने वाले जीव कौन सा है इसमें? एक तरीके से छिपकली है, चमगादड़, मछली या मेंढक नहीं है। तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विलोम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है? समझ, अनुप्रयोग, सृजन, विश्लेषण। तो सही आंसर है सृजन या क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी या क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसलाजड़, तो ये गलत है। ठीक है, धनिया मूसलाजड़ सही है, गाजर झगड़ाजड़ ये गलत है, और बांस मूसलाजड़ गलत है। यहाँ पर मैंने दे दिया है आपके लिए, ये कटिंग लगा दी है। तो मूसलाजड़ में जो आएगी वो गाजर, धनिया, मूली। ठीक है, झगड़ा में आएगा गेहूं, धान, जौ, और अपस्थानिक जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखिए कि बरगद और घास ये अपस्थानिक जड़ के उदाहरण हैं। 17 देखिए, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? ऑप्शन है कोलकाता, कानपुर, बनारस, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, दार्जिलिंग, दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। देखिए, हैदराबाद में गंगा नदी नहीं होगी, ऐसे आप पहचान सकते हैं। भुवनेश्वर और दार्जिलिंग में नहीं होगी, और दिल्ली में यमुना नदी है तो यहाँ भी नहीं होगी। तो ऑप्शन पहला सही होगा, कोलकाता, कानपुर और बनारस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसका फैलाव या क्षेत्राभ अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? सूरजमुखी, ऑक या वो मादर, और जो आम और नारियल। सही आंसर है इसका आम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? गुलाब वृक्ष है, तो ये गलत है। करेला बेल लता है, ये सही है। ठीक है, गुलाब जड़ी बूटी गलत, करेला झाड़ी गलत। तो सही आंसर है जो करेला है वो एक तरीके से बेल या लता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो सही आंसर होगा बकरी, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने ऑप्शन दिया है तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी आना चाहिए। तो सही आंसर होगा बकरी। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? ठीक है, वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, ये सही है। ठीक है, वे गर्म स्थान पर प्रजनन करते हैं, ये भी सही है। वे अपने प्रयासों में अलग से अकेले रहते हैं, तो वो अकेले नहीं रहते, तो यही विशेषता नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना है नहीं है या सही है, क्या पूछा गया है? वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो जो नहीं सही है वो पूछा था, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा।
22 देखिए, निम्नलिखित में से कला रूपों में, किस कला रूपों में, ठीक है यहाँ पे किस होगा, किस कला रूपों में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। मधुबनी, बरली, कलमकारी और फुलकारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कलमकारी, ठीक है, ये कलमकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से 23, नए काम की तलाश में लोगों का जो मौसमी आवागमन है वो क्या कहलाता है, विस्थापन, ऋतु प्रवास, आप्रवास, खानाबदोशी। सही आंसर होगा ऋतु प्रवास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का जो प्रतिशत है 1.2%, 5.2%, 2.7, 3.2%। सही आंसर है तीसरा 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं, लौकी, कद्दू, कटहल, हाथीचक। तो सही आंसर है लौकी, जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उन्हें आसानी से पता होगा कि लौकी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं, ठीक है, इसके अलावा है गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल खाड़ी के तटवर्ती हैं, गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है, पुडुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो सही आंसर चौथा है, ठीक है, गोवा जो है अरब सागर के पास होगा, ठीक है, और जो पुडुचेरी है वो बंगाल की खाड़ी में। मैं बार बार कह रहा हूँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जरूर ध्यान से देख लीजिए, इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। साथ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगे हुए स्टेट्स को भी एक बार जरूर पढ़ लीजिए। 27 देखिए, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, गलत है, दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता, तो ये गलत है, ये केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते, ये भी गलत है क्योंकि एकल परिवार, संयुक्त परिवार अलग अलग होते हैं तो परिवार हो सकता है। तो सही आंसर होगा एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। 28 देखिए, सीएनजी का मुख्य संघटक है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेथेन। 29 देखिए, किस राज्य में जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ध्यान रखना है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 30 देखिए कि चार चिनारी जो है एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका क्या नाम है, चार चिनारी, हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, श्रीनगर। तो इसका जो सही आंसर है चार चिनारी, ध्यान रखना, श्रीनगर। 31 देखिए, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तेज है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है, स्लॉथ, कुत्ता, बाघ, घोड़ा। तो सही आंसर है बाघ यानी कि टाइगर। 32 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं, कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कश्मीर, ठीक है, जो नीचे वाले हैं वो यहाँ पर किसके, नारियल के तेल में, ठीक है। 33 देखिए, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं सेब, पाइनस, फर्न, प्रून्स। तो सही आंसर है फर्न, ठीक है, फर्न जो होता है बिना बीजों के उगता है। 34 देखिए, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो संथाली एवं कुडुकू भाषा बोली जाती है, किस स्टेट में बोली जाती है, झारखंड, असम, मणिपुर, ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, संथाली एवं कुडुकू। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि हमारे संविधान में कुल 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। 35 देखिए, झूम खेती क्या है, जैविक खेती, गलत, काटो और जलाओ खेती, ठीक है, ये बताया था हमने, पूर्वोत्तर में होती है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे कि मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, इनमें होती है। रासायनिक पीड़कनाशी का सीमित प्रयोग गलत है, फसल चक्रण गलत है। तो सही आंसर होगा दूसरा।
36 देखिए, जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है? पक्षी, चमगादड़, गिलहरी, मधुमक्खियां। तो इसका जो सही आंसर है वो है चमगादड़। ठीक है, जंतु परागण। 37 देखिए, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है, यानी पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप क्या है? जामदानी, चिकनकारी, पटोला, पोचमपल्ली। तो जो इसका सही आंसर है वो है जामदानी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, घटपर्णी या जो नीपेंथिस पौधा जो होता है, ठीक है, चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मेघालय। ठीक है, मिजोरम मत कर लेना, मेघालय को ध्यान रखिए। 39 देखिए, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी कि दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होती है? अल्जीरिया, अलास्का, अर्जेंटीना, कनाडा। तो सही आंसर है अर्जेंटीना। जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको पता होगा, और अर्जेंटीना यहाँ पर देखिए ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ ऊपर उत्तरी गोलार्ध में भारत है और दक्षिणी गोलार्ध में अर्जेंटीना है। ठीक है, नीचे अर्जेंटीना, ठीक, और ऊपर इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब भारत में दोपहर होता है तो मध्यरात्रि जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है अर्जेंटीना वहां होती है। 40 देखिए, प्राचीन इमारत में दीवारों का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपको आसानी से पता होगा कुछ बच्चों को, झरोखा, ड्रोमर, चबूतरा, बुर्ज। तो इसे बुर्ज कहते हैं। ठीक है, जो हिस्सा बाहर निकला होता है इमारतों से उसे बुर्ज कहते हैं। 41 देखिए, आपदा के बाद शरणार्थी अपने क्षेत्रों को वापस लौटते हैं, ये क्या कहलाता है? विस्थापन गलत है, स्थानांतरण गलत, सही आंसर है प्रत्यावर्तन, आप्रवास गलत है। 42 देखिए, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनाता है, गलत है। अभिकर्मक मैथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है, गलत। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, ये सही ऑप्शन है। खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, ये गलत है। तो खाद्य पदार्थों में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति के कारण जो है प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ का रंग जो है बैंगनी हो जाता है। 43 देखिए, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन बी वन का, डी होगा नहीं क्योंकि ये हड्डियों से, यहाँ ध्यान रखना मांसपेशियों की बात कर रहा है, हड्डियों की नहीं। तो ये हड्डियों के कमजोर होने के लिए विटामिन ए रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है ध्यान रखिए, और विटामिन बी वन। तो सही आंसर होगा विटामिन बी वन। 44 देखिए क्वेश्चन नंबर, पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है, ये जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों, ध्यान रखना, और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। साड़ियों के लिए रंग बिरंगी और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए ये जिला किस राज्य का भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक दो साल में ये लौट पीट के दोबारा से आ जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। सही आंसर है 44 का तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के युग्म को पहचानिए। असम और राजस्थान, बिहार बॉम्बे हाई, गुजरात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल बॉम्बे हाई। सही आंसर है असम और राजस्थान। देखिए इनका क्रम ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो पेट्रोल है, कच्चा तेल है, कच्चे तेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो है पहला राजस्थान, ठीक है, दूसरा आएगा आपका गुजरात, ठीक है, और तीसरा ध्यान रखिए आपका आएगा असम। तो ये तीन स्टेट आप आसानी से याद रखिए। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है?
मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर, लोइस। तो लोइस नहीं है, ठीक है। लोइस जो है समुद्री लहरों से निर्माण नहीं होता है, ये जो हवा पवन द्वारा जो मिट्टी उड़ा के लाई जाती है उससे इस तरीके के जो निर्माण होता है, ठीक है। तो लोइस 47 देखिए, वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं, किस परत में? तो वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। सही आंसर है मध्यमंडल। सबसे नीचे ध्यान रखिए होता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल से ऊपर होगा आपका समताप मंडल, समताप, और समताप से ऊपर होता है आपका मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल, और मध्य से ऊपर होगा आपका वायुमंडल, और सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का क्या नाम है? द्रास, कारगिल, गांगरी, काराकोरम। तो सही आंसर है द्रास, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर युद्ध स्थल का नाम आए तो आप कारगिल लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप द्रास लगाएंगे। 49 देखिए, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? चंद्रमा एक बृहद वृत्तीय बल प्रयोग में लाएगा। बिल्कुल सही है। निम्न ज्वार भाटा उच्च ज्वार भाटा बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न ज्वार भाटा बन जाएगा, गलत। ये एक निम्न ज्वारीय उभार पैदा करेगा, गलत। निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे, ये भी गलत, क्योंकि अगर चंद्रमा का पथ घटना शुरू हो जाए तो चंद्रमा एक बहुत बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन किस क्षेत्र का विषय है जिसमें अन्य विषय समाहित हो? ठीक है, गलत है। एक तरीके से विषयक, अंतर विषयक, अंतरा विषयक। तो यहां पर ध्यान रखना है आपके लिए, सही आंसर है अंतर विषयक, ठीक है, इंटर, ठीक है। और ये अंतरा का मतलब होता है इंट्रा, तो ध्यान रखिए अंग्रेजी पढ़ते समय आपको अंतर विषयक लगाना है, इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, इंट्राडिसिप्लिनरी नहीं लगाना है। तो सही आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 है, सरकारी कानून किस जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिए सिर्फ सांप की बात नहीं, कोई भी जीव हो, कोई भी वन्य जीव हो उसके लिए पकड़ नहीं सकता, वो आता है, ध्यान रखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इन सभी अधिनियमों के डेट याद रखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता या जैविक विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो किसी वन्य जीव को पकड़ने से मना करना वो है सरकारी कानून, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में जो है देहरादून में स्थित है, ठीक, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरणीय ऊर्जा का रूप है? देखिए सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा भी नवीकरणीय है, ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय क्या होती है? जिनका एक बार समापन हो जाए, जो एक बार समाप्त हो जाए तो फिर उन्हें उत्पादन करना मुश्किल होता है। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? लक्षद्वीप, नागालैंड, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा तीसरा, पुदुचेरी, ठीक है। 55 देखिए, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई, मई। सही आंसर है अक्टूबर, 2 अक्टूबर से, ध्यान रखिए, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, ठीक है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। 56 देखिए, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसे गंभीर रूप से विलुप्त
लुप्त होने का खतरा हो। उसे कहते हैं संकटापन्न प्रजातियां, दुर्लभ स्थानीय प्रजातियां, विलुप्त हो चुकी प्रजातियां, जिसे गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो। विलुप्त नहीं हो, विलुप्त हो चुकी होती हैं वो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां, लेकिन जिन्हें गंभीर खतरा है अभी विलुप्त नहीं हुई है तो संकटापन्न प्रजातियां कहलाएंगी। तो पहला ऑप्शन सही होगा। 57 देखिए, नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों या प्लाटूनों की संख्या होती है 3, 4, 5, 7। सही आंसर है 4। 58 देखिए, कोई जनजाति एक ऐसे स्पष्ट लोगों का समूह होती है जिसकी अपनी जीवन शैली संस्कृति होती है। जराबा जनजाति किस क्षेत्र राज्य की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। तो इसको ध्यान रखिए, जराबा, ठीक है, एक जराबा है, एक सोमपेन है, ठीक है, और एक सेंटलीज है, सेंटलीज। तो इन तीन को ध्यान रखिए, इन तीन से प्रश्न बहुत आता है, जराबा, सोमपेन और सेंटलीज। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? वेल, मेढक, कबूतर, छिपकली। आपको पता होगा वेल जो होती है स्तनधारी जीव होती है। 60 भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडार जो होता है भौम जल, उसको क्या कहते हैं? भूमिगत जल, जलभर, दू स्थित जल, गुप्त जल। सही आंसर है जलभर। भूमिगत जल नहीं होता है अंडरग्राउंड वाटर, बल्कि सही है एक्वेफर, AQUIR, ठीक, एक्वेफर मतलब जलभर। संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? चीतल, बारासिंगा, सामर, संगाई। तो सही आंसर है संगाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 62 देखिए, बीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, तथा प्लांट मतलब पौधा, दो प्लांट है जैसे, ये भी घटपर्णी पौधे होते हैं जिसकी पीछे बात की थी, को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। कीटभक्षी या घटपर्णी एक ही बात है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व, तो वायु, जल, मृदा। तो सही आंसर है पोषक तत्व। 63 देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई, 22 अप्रैल। तो सही आंसर है इसका 22 मार्च को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन जो है सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? चौकपूर्णा, नांगगुम्फन, मंदाना और आरिपन। तो इसका जो सही आंसर है वो है नांगगुम्फन, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा कठिन है इसलिए। 65 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी के समुद्र तल से ऊंचाई है, आपको पता होगा 8,848 मीटर, ठीक है, ध्यान रखना जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है बेटा वो नेपाल में है, इसको भी ध्यान रखना है, ये नेपाल में है और सबसे पहले इस पर जो है 1953 में, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 1953 लिखा है, 1953 में तेंजिंग और एडमंड हिलेरी पहुंचे थे, तेंजिंग और हिलेरी सबसे पहले पहुंचे थे, और उसके बाद में जो पहुंचे हैं बछेंद्री पाल, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो मैं एक ही बार में बता दे रहा हूं, जो बछेंद्री पाल हैं भारतीय वो पहुंची हैं 23 मई 1900, ये बिल्कुल डेट याद कीजिए, सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, 23 मई 1984 को इन्होंने वहां तिरंगा लहराया था माउंट एवरेस्ट पे। पहली बात ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, नेपाल में ये स्थित है, ठीक है, भारत में नहीं, नेपाल में, और 1953 में तेंजिंग और हिलेरी, एडमंड हिलेरी पहुंचे थे, बछेंद्री पाल भारत की 23 मई 1984 को इन्होंने झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया है माउंट एवरेस्ट पर। 66 देखिए, सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, ये किससे बनाई जाती है,
इसका जो सही आंसर होगा वो सांप का विष या जहर। ठीक है, चिड़चिड़ा नहीं, जो चिड़चिड़ा गांव के बच्चे हैं वो जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के चिड़चिड़ा, तो चिड़चिड़ा से जिसे चिचेटा भी कहते हैं उससे नहीं। ठीक है, ना इसकी केंचली से, छोड़ी हुई त्वचा जिसे केंचली भी कहते हैं उससे भी नहीं। 67 देखिए, ऊंचा शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का भाग है जिसका नाम है, ऑप्शन है शिमला, शिलांग, श्रीनगर, लेह लद्दाख। सही आंसर है लेह और लद्दाख, जो कि शुष्क है, ध्यान रखना। 68 देखिए, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं, वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं, पहला ही सही है, वे वृक्षों से ढके हुए एक छोटा सा क्षेत्र है, गलत, ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं, गलत, ये अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, गलत। सही आंसर है जल चक्र को बनाए रखने के लिए क्या वन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, घर हमें गर्मी सर्दी बरसात धूल से बचाता है, कारवा यानी कि कैरेवन पर एक घर होता है, किसका, पहियों का, ना बर्फ, रेल की पटरियां। सही आंसर है पहियों का। 70 क्वेश्चन देखिए, पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, गांव के बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, तने, बीज, बाली, फूल, तो सही आंसर है बाली, जो बाजरे की बाली होती है उसी में बीज होता है। 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी युग्म है, कौआ, सुअर, मनुष्य, तो आपको कुछ ना पता हो तो ये तो पता ही होगा मनुष्य सर्वाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी है तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इतना पता लगाने पर। तो ध्यान रखिए मनुष्य किस श्रेणी में आता है, सुअर और कौआ के साथ, तो कौआ, सुअर और मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, क्योंकि गाय और घोड़ा सर्वाहारी यानी मांसाहारी नहीं है, खरगोश भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये शाकाहारी हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, भेड़िया नहीं होगा इसमें, ठीक है, इसमें हाथी नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये मांसाहारी कुछ नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन सर्वाहारी का सही होगा। 72 देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, असम में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो यहाँ सही आंसर होगा असम, बाकी आप देखिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल और इसके बाद पश्चिमी तट जो भी है, ठीक है, पश्चिमी तट जो भी है या पश्चिमी घाट कह सकते हैं इसको, इसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में, यहाँ खूब उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं और इनकी जैव विविधता सर्वाधिक होती है, ध्यान रखना जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता आए तो सर्वाधिक जैव विविधता किनकी होगी, वर्षावनों की, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की। ठीक है, तो सही आंसर ये होगा। 73 देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है, सौर, प्रकाशीय, रासायनिक, यांत्रिक। सही आंसर है रासायनिक, एक जो फूड चक्र होता है, खाद्य जाल होता है, उसमें एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है और 90% वही ऊर्जा पहले ही एब्जॉर्ब हो जाती है, जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वो एक्चुअल में केमिकल एनर्जी के रूप में होता है, ध्यान रखना है। 74 देखिए, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज, पता होगा आपके लिए बैरोमीटर, दाब का मापन जो होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा दाब का मापन किया जाता है, तो सही आंसर है वर्षा का मापन, रेन गेज। 75 देखिए, बाबड़ी का अर्थ है कुआं, सीढ़ीदार कुआं, तालाब, झरना, तो सही आंसर है सीढ़ीदार कुआं। इसके बाद है 76, वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़े एवं बकरियां रखते थे क्या कहलाती, चांगपा एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रहने वाली खानाबदोश जनजाति है जो अपनी भेड़ों को कहां रखते हैं, लेखा में, ध्यान रखना रेवो सैड पेन नहीं, लेखा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 77, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वदा उपयुक्त है, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। सही आंसर है समस्या समाधान विधि, ध्यान रखना
पर्यावरणीय समस्या तो समस्या है भैया, तो फिर क्या होगा? समस्या समाधान विधि, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 78 EBS शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या महंगी होनी चाहिए? बिल्कुल गलत। ध्यान रखना, जब भी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की बात आए तो हमेशा कबाड़ से जुगाड़, जो सबसे सस्ती हो और दैनिक जीवन के प्रयोग में आनी चाहिए, शिक्षकों द्वारा स्वयं बनानी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, अवैतिक होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा यहाँ पर छात्र केंद्रित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है घास, कुत्ता, कुकुरमुत्ता, कुकुट, कुस्कुट्टा या अमरबेल। तो सही आंसर है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता हमेशा जहां सड़े गले जो मल होता है वहीं उगता है। 80 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो सही आंसर मैं बता दे रहा हूं, पहला है, पहले होता है विषाणु वायरस, फिर जीवाणु बैक्टीरिया, फिर कवक और फिर होता है शैवाल। तो ठीक है, पहला आंसर ध्यान रखिए, पहले वायरस, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल। 81 देखिए, योगात्मक आकलन विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अन्वीक्षण करता है, गलत है। ये होता है रचनात्मक आकलन, जो निरंतर करता है वो होता है रचनात्मक आकलन। ध्यान रखिए, रचनात्मक आकलन से प्रश्न जरूर आएगा। तो रचनात्मक आकलन क्या है? जो निरंतर अन्वीक्षण करता है, एक तरीके से CCE समझ लीजिए। तो शिक्षण अधिगम में परिवर्तन हेतु प्रतिपुष्ट मुहैया करने के लिए होता है, गलत। विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है, सही है। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए, तो ये होता है रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका क्या अर्थ है? जो प्राथमिक स्तर पर जो EBS है वो एक विषय के रूप में इंटीग्रेटेड है, इसका क्या मतलब है? ध्यान रखिए, विज्ञान सामाजिक विज्ञान यानी साइंस, सोशल साइंस तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण, सभी का जो इंटीग्रेटेड रूप है वही EBS है। ठीक है, क्रियाकलापों सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण, गलत। विज्ञान के प्रत्ययों का भाषा के साथ एकीकरण, गलत। सामाजिक प्रत्ययों को गणित के साथ संयोजन, गलत। तो सही आंसर है पहला। 83 देखिए, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सीखने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? चर्चा, परियोजना एवं चर्चा, साक्षात्कार, प्रयोग। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स एवं चर्चा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर पर्यावरण की बात आए तो प्रयोग या साक्षात्कार नहीं होगा। प्रयोग होते हैं एक तरीके से साइंस में। ठीक है, हाँ, कुछ हद तक हो सकता है अगर ऑप्शन नहीं हो तो। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोजेक्ट्स एवं चर्चा। 84 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के अवसर देने की आवश्यकता होगी। निम्न कोटि प्रश्न गलत है, उच्च कोटि प्रश्न। ठीक है, सरल और जटिल की बात नहीं है, बल्कि उनकी कोटि जो होना चाहिए, मतलब अच्छे प्रश्न होनी चाहिए। 85 देखिए, NCF 2005, NCF से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो NCF 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ध्यान रखिए, सही आंसर है, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति और चीजों और लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से। ठीक है, केवल NCERT और राज्य बोर्ड द्वारा तैयार की गई केवल पाठ्य पुस्तकों की बात आ गई, इसलिए गलत है ये। पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा, शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, और विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। तो शिक्षकों द्वारा चयनित इसलिए नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए? हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से। 86 देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? बच्चों को अकेले कार्य करने के अवसर प्रदान दें, गलत। ठीक है, बच्चों को कार्य करने में मदद करें, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, ये सबसे ज्यादा सही है और करेक्ट आंसर है। बच्चों को बड़े समूह में, बहुत बड़े समूह में नहीं, बल्कि छोटे छोटे तीन तीन चार चार बच्चों के समूह में उनको बैठ के कार्य करना और प्रोजेक्ट बनाने के अवसर प्रदान करना। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद, सूचना। तो सही आंसर होगा खोजने का निर्माण, इनोवेशन या अन्वेषण जिसे कहते हैं। 88 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावित है। ठीक है,
और सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, नितांत आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है कि प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावित है। 89 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण में सुझाए गए 6 थीमों में निम्नलिखित में से कौन सा एक थीम है। ये थीम से एक प्रश्न 100% आएगा, 100%। तो पौधे, पशु, आश्रय और आवास, तो ये थीम है, आश्रय और आवास ये भी नहीं है, पशु पौधे नहीं है। तो ध्यान रखिए ये कौन कौन सी थीम है। पहला है परिवार मित्र, दूसरा है भोजन फूड, फिर आश्रय या हैबिटेट मतलब आवास, फिर जल, फिर यात्रा और फिर चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। तो इन 6 में से एक जरूर किसी भी तरीके से पूछा जाए, प्रश्न आएगा जरूर। 90 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है। अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है, बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं, बहुमुखी चिंतन या नवीन समाधान में सहायक है, विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक है। सही आंसर है बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। 91 देखिए, जब विद्यार्थी को उसकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का ये उपागम क्या कहलाता है। सहयोगात्मक अधिगम, अनुकूली अधिगम, सक्रिय अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो ये कहलाएगा सक्रिय अधिगम, क्योंकि एक्टिवली उस बच्चे को फ्री कर दिया गया, तो ये कहलाता है एक्टिव अधिगम, ठीक है, एक्टिव लर्निंग। 92 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। व्याख्यान विधि, श्रुतलेख, व्याख्यान एवं श्रुतलेख, प्रायोजन विधि। सही आंसर है इसका प्रायोजन विधि। 93 देखिए, बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे समाज के नियमों को समझें, सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को विकसित करें, घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेलें। तो सही आंसर है दूसरा, सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। 94 देखिए, गतिविधि है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण गलत, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण बिल्कुल सही है, बच्चों को सीखने में सहायता करना गलत, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका गलत है। 95 देखिए, पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए पर्यावरण पढ़ाने वाले ठीक है शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिपेक्ष विकसित करने की आवश्यकता है। बहुविषयक परिपेक्ष, अनुशासनात्मक परिपेक्ष, वैश्विक परिपेक्ष, पर्यावरण का संरक्षण सुरक्षा। तो सही आंसर है बहुविषयक परिपेक्ष, ठीक है। 96 देखिए, अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल और समझ। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड। 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन और प्रदर्शन। तो सही आंसर है वो है प्रायोगिक। 98 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। क्रम निर्धारण, मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णात्मक उपाख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो। सही आंसर है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, जो कि योगात्मक में आता है, ठीक है, जो कि योगात्मक आकलन में आएगा। 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तकनीकों में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। अवलोकन, जांच सूची, लिखित प्रश्न, नियत कार्य। तो इसका सही आंसर है अवलोकन। 100 और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, किस्से, कहानियां। तो सही आंसर है इसका किस्से, कहानियां। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।